भारतीय सेना में भर्ती होने का जज्बा लिए कई युवा लंबे समय से दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दो साल से भर्ती नहीं निकलने के कारण तैयारी कर रहे युवा और उनके कोच निराश हैं। विदिशा में सैकड़ों युवाओं ने खेल स्टेडियम से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अगले महीने सेना में भर्ती निकालने की मांग की और भर्ती में दो साल की उम्र में छूट दिए जाने की भी मांग की। उनका कहना है कि दो साल से भर्ती न निकलने के कारण कई युवा ओवर एज हो गए। दो साल से कोई भी भर्ती नहीं देखी अभी, जहाँ तक कि मेरे अंदर में जितने बच्चे हैं दो साल से मेहनत कर रहे हैं, कोरोना महामारी के कारण अभी तक कोई भी भर्ती नहीं हुई है। आज जो ज्ञापन दिया क्या मांगा ये है ना, इसके भर्ती के सेना भर्ती के चक्कर में ये सभी ने ज्ञापन दिया है कि दो साल से कोई भर्ती न होने के कारण इस साल अब की बार सितम्बर के महीने से नोटिफिकेशन चालू होना चाहिए, ताकि ये सभी लोग आर्मी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनकी मेहनत सफल हो। पिछले दो साल से भर्ती कोई आई नहीं है, लड़के ओवर एज हो गए। हमारी सबसे विशेष मांग है कि बच्चों को दो साल की उम्र में छूट मिले और उनके लिए सरकार दो महीने के लिए प्रोटीन मुहैया कराए, ताकि बच्चे अच्छे से खा पी के तैयारी कर सकें और भर्ती के जो प्रक्रिया है उसको एक हफ्ते के अंदर बहाल करा दी जाए। और हम ये देख रहे हैं सर कि सारे जो अधिकारी वगैरह हैं वो लगातार भर्ती को प्राइवेट कर रहे हैं, हमारा क्या होगा? जो लड़के गरीबों की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा? ये सारी एसएससी जीडी की भर्ती हो चाहे मिलिट्री की भर्ती हो, हमें एक हफ्ते के अंदर नोटिफिकेशन चाहिए, अन्यथा हम फिर से यही आंदोलन करेंगे और अगली बार जिम्मेदारी सरकार उठाएगी।